ये जी मैंने ऑर्गेनाइजर्स खोल लिए, इनके पास आप लोगों को हर किस्म के ऑर्गेनाइजर्स मिल जाएंगे, आप लोगों ने जिस पर्पस के लिए भी लेना है इनके पेज पे जाए मिल जाएंगे। मुझे तो ये वाले देख के इतनी खुशी हो रही है, मेरे दो बैग्स का डस्ट बैग नहीं है, कुछ ब्रांड्स नहीं देते या कुछ गुमशुम जाते हैं, तो मैं इनमें डाल के रखूंगी ताकि सही रहे और इनमें अच्छे भी लगेंगे, नजर भी आते रहेंगे यहाँ से कि कौन सा बैग है या कौन से शूज हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा, जब बैग में जूते रखने हो कपड़ों कपड़े रोल करके उसके ऊपर रख सकते हैं, ये जबरदस्त। ठीक है, फिर इन्होंने क्या भेजा है जी, ये क्या है जी, अभी मैं इसको खोलती हूँ। एक ये है, इसका मटेरियल क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसको भी खोलते हैं और कुछ ये भी है, ये तो बॉक्स है। इतनी फिट इसकी पैकिंग की हुई थी ना, इतनी मुश्किल से खुली है ये, इतने ज़बरदस्त मुझे लगा है, इतना मज़बूत और इतना अच्छा। इधर आपने ड्रेसिंग टेबल पे रखा हो साइड पे या आपने कहीं भी रखना हो, इधर वॉच आ गई या वॉच नीचे वाले पोर्शन में चलो कर लेते हैं, इधर टॉप्स आ गए, रिंग्स आ गई, ब्रेसलेट्स आ गई, चेन्स आ गई, फिर ये खुलेगा, इधर वॉच वगैरह आ गई, ज़बरदस्त बड़ा अच्छा है। और जो पेंटर हजरात होंगे वो इसको पेंट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ज़रा प्यारा सा बना सकते हैं। मुझे इसको देख के ना मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ पे फ्लोरल कर दूँ, यहाँ पे भी बेल फ्लोरल सी बना के ना बड़ा एस्थेटिक सा बना लूँ, लेकिन ये ऐसे भी प्यारा लग रहा है जब इसके अंदर चीज़ें रखेंगे तो चमचम करेगा, बहुत मज़े का। अच्छा जी, उसके बाद है ये लॉन्ड्री बास्केट, ये देखें लॉन्ड्री बास्केट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको बच्चों के टॉयज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के जो प्लास्टिक की टॉय के लिए होती है ना तोड़ देते हैं, ये तोड़ेंगे नहीं, इसमें छोटे छोटे टॉयज़ बड़े सही रह जाएंगे। और ये ऑर्गेनाइज़र है एक बच्चों के कच्चे पजामे, उसके बाद एक ये ऑर्गेनाइज़र है छोटे बच्चों के बनाने शनैने रखनी है, इसके अंदर रख के पैक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह घूमती भी नहीं है, सॉक सीज़न की आ गई, कोई वेस्ट वगैरह आ गई बच्चों की अपनी रखनी हो। ये है बैग्स वाला, इधर टांग लेंगे, जिनके प्रॉपर क्लोजेट्स वगैरह नहीं बने हैं वो इनमें रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात, हवा पास हो रही है, लेदर बैग्स ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, और आगे भी हैं 1, 2, 3, 4, 5 और बैक साइड पे भी हैं। चलिए जी, मैंने पेज चेक कर दिया है, मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, ट्रैवल कर रहे हैं या आपने बैग ऑर्गेनाइजर या जूते ऑर्गेनाइजर लेना है तो ये वाले ले लें। कपड़ों को जी वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना भी ना ये एक बहुत बड़ा टास्क है, सबके दुपट्टे इकट्ठे करना, ख़राब हो गया, सबके ट्राउज़र्स इकट्ठे करना और फिर रखना, सबसे पहले जी ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर पे आप लोग इनको तंग कर सकते हैं। अच्छा जी, आप देखते हैं जी, ये सबसे पहले मेथी दाना और रोजमेरी ऑयल है थिकनिंग के लिए, फिर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है, फिर राइस वाटर हेयर ग्रोथ टोनर है, इसके साथ आप लोगों को एक पम्प भी मिल रहा है और नोजल भी मिल रही है, जिस तरह मर्जी आप लोग अपने सर के ऊपर इनको रोड़ें। आपने इनको कंटिन्यूसली 20 डेज इस्तेमाल करना है, उसके बाद रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, मैं इस्तेमाल करूँगी फिर मैं आप लोग को बताऊँगी। ये देखें, ये आप लोगों को रोज़मेरी नज़र आ रही है, बिल्कुल फ्रेश रोज़मेरी अंदर डाली हुई है, क्या बात है, अच्छी खासी बॉटल है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। और ये आप लोग रिव्यूज़ जाके ज़रा पेज पे तो ज़रा चेक करें और मुझे भी बताएं कैसा, और किसी ने यूज़ किया वो भी मुझे बताएं। ये जी आप लोगों को कहीं से ही मिल जाएगा, वरना मैं इधर स्टोरी लगा रही हूँ, आप लोग स्टोरी से लिंक से ले सकते हैं। अच्छा, ये अंदर से कुछ इस तरह का, इतने मज़े का मैं बता नहीं सकती, मैंने कुछ 7-8 दफ़ा यूज़ कर लिए और इसे क्वांटिटी देखे कितनी ज़्यादा, बहुत अच्छा है ये।